पिछले साल कोरोना विषाणु के बढ़ते प्रकोप और जेल में कोरोना से होती कैदियों की मौत के चलते राज्य सरकार के गृह विभाग में 7 साल से कम कारावास की शिक्षा वाले हजारों कैदियों की पैरोल पर छोड़ने के आदेश दिए थे। इस आदेश के अनुसार नागपुर सेंट्रल जेल से कुल 496 कैदियों को रिहा किया गया था। अब जब कोरोना का प्रभाव कम हुआ है तो प्रशासन ने सभी पैरोल पर छोड़े गए कैदियों को जेल में लौटने के आदेश दिए हैं, परंतु 27 मई को उस आदेश की सीमा समाप्त होने के बाद भी नागपुर सेंट्रल जेल से छोड़े गए कुल 496 कैदियों में सिर्फ 130 कैदी ही जेल लौटे हैं। शेष बचे 360 कैदी अभी भी फरार है। इस कारण नागपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए नागपुर पुलिस ने रिहा किए गए बंदियों को वापस जेल भेजने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। जे यामध्ये नाही भेटतील त्याबद्दल नियम आहे 224 आयपीसी अंतर्गत गुन्हा दाखिल करून त्यामध्ये जे फरार आहे ते आणि त्यांचे गॅरंटर्स विरुद्ध पण कारवाई होऊ शकते। ते कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन ते पुढे कारवाई करण्यात येईल, परंतु आता सध्याच्या स्थितीत 48 तासासाठी अत्यंत मोठ्या प्रमाणात मोहीम सुरू करण्यात आली। मला नक्कीच आत्ताची स्थितीत मला नक्कीच हे 360 जे नागपूर जिल्ह्यात नागपूर जेलचे आहे त्यापैकी किती नागपूर शहराची आहे त्याबद्दल मला नक्की संख्या सांगता येत नाही, परंतु आम्ही आपल्याला जसे सांगितले 48 तासात अत्यंत मोठ्या प्रमाणात मोहीम घेऊन असे जे काही आरोपी नागपूर शहराचे आहे त्यांना परत करण्यासाठी कारवाई करण्यात आली। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपूर।